जमशेदपुर के पोटका थाना अंतर्गत जुड़ी मुख्य पथ पर स्थित पारा शिक्षक मृत्युंजय गोप के घर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पोटका थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें, पारा शिक्षक मृत्युंजय गोप ने कहा है कि हम स्कूल गए हुए थे और वहां से गांव चले गए। जब वो जुड़ी अपने घर वापस आए तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और घर के अंदर जब गए तब घर के सामान बिखरे हुए थे और घर में रखे 15,000 रुपये नगद समेत सोने की हार आदि सामानों की चोरी हो गई। वहीं उन्होंने थाने में शिकायत की है। कल सर रोजाना की तरह हम 8 बजे विद्यालय के लिए हम अपना रूम बंद करके विद्यालय गए, वहां से फिर अपना गांव गए जहां खेती का धान कटाई चल रहा है। फिर 5 बजे हम अपना आवास यहां जुड़ी आए, आके मेन गेट खोल के अंदर घुसे तो घर घुसने के बाद ही मेरे को पता चला कि दरवाजा पूरा एकदम ताला लॉक जो है टूटा हुआ है। अंदर जैसे घुसे मेरा बॉक्स पलंग में रखा हुआ था, मिसेस का एक हार और कान का बाले और एक सेट था छोटी बच्ची का, वो भी गायब था और केस 15,000 रुपये रखा हुआ था, वो भी नहीं मिला। तो अभी वो हम काले सूचना किए थे थाना से, थाना वाले आए जांच पड़ताल किए और हम बोले कि देखिए हम तो अकेले रहते हैं, पूरा परिवार भयभीत है, ये मेरा दूसरी घटना, इससे पहले भी हो चुका था एक बाइक चोरी, तो इसीलिए इसका कड़ाई से कार्रवाई किया जाए और दोषी को पकड़ा जाए और सजा दिया जाए। 1,20,000 लगभग अनुमानित।